हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक टैबलेट का रिव्यू करूंगा जो कि अभी अपन स्क्रीन पे देख रहे हो, टैबलेट सिस्ट गो। दोस्तों ये जो सिस्ट गो टैबलेट है, मैं इसका यूज़, डोज, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, कंपोजिशन एंड वीडियो का एंड पे मैं सिस्ट गो टैबलेट का रिव्यू करूंगा, किसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो ये जो सिस्ट गो टैबलेट है इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो सिस्ट गो टैबलेट है, ये 10 टैबलेट्स का पत्ता में मिलता है, कीमत है 212 रुपये और इसे जो कंपनी बनाती है, तो कंपनी का नाम है जलवेन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, तो ये इसका कंपनी। आप बात करते हैं कंपोजिशन की, क्या इंग्रेडिएंट्स से दवा को तैयार किया गया है। तो दोस्तों इसका हर एक टैबलेट में है, यानी ईच टैबलेट कंटेंट्स, पहला हमारा एल एर्गानिन 100 mg जो कि एक अमीनो एसिड है, प्लस एल मिथाइल फोलेट जो कि एक फॉलिक एसिड ग्रुप का दवा है 100 mcg, प्लस मायोनसिटॉल 1 ग्राम, प्लस एन एसिटाइल सिस्टीन 600 mg एंड विटामिन D3 1000 इंटरनेशनल यूनिट। तो ये इसका कॉम्पोजिशन जो कि एक यूनिक एंड बहुत ही ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका कॉम्पोजिशन। अब बात करें इसका यूज़ कि कहाँ का इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते। दोस्तों जिसका जिस तरह से इस टैबलेट का नाम है सिस्ट गो, यानी तो ये सिस्ट को ठीक करने वाली दवा है। जो महिलाओं का जो सिस्ट का प्रॉब्लम होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो कि दोनों ही एक ही अवस्था है, जो ओवरीज में जो छोटा छोटा जो सैक बन जाता है, सिस्ट बन जाता है पानी भरा हुआ, उस सबको ये ठीक करने के लिए हेल्प करता है। पहला यूज़ यानी ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन को ठीक करता है। दूसरा इसका तो ये उन महिलाओं को प्रिस्क्राइब किया था जिन महिलाओं की कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे विटामिन D3 की वजह से अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो रहा है। कभी दोस्तों हाउएवर कभी कभी देखा जाता है दोस्तों कि विटामिन D3 की कमी की वजह से भी महिलाओं का प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होता है, तो उनको भी ये प्रिस्क्राइब किया था, यानी अगर कहा तो ये फीमेल इनफर्टिलिटी को भी ये ठीक करता है। तीसरा इसका यूज़ किया होता है दोस्तों, अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इरेगुलर है तो उसको इरेगुलर पीरियड को भी ये रेगुलर रखता है। तो उसके कुछ यूजेस। अब बात करते हैं इसका डोज की, कौन सा डोज में इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया था। दोस्तों इसका जो रिकमेंडेड एंड एडवाइस डोज है, 1 टैबलेट वंस डेली आफ्टर ब्रेकफास्ट। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप लंच के बाद भी ले सकते हो, डिनर के बाद भी ले सकते हो या फिर ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हो। दोस्तों रोजाना एक गोली सुबह नाश्ते के बाद 3 महीने के लिए, मिनिमम 3 महीने आपको लेना ही लेना है, छोड़ना नहीं दवा को। तो ये इसका डोज। आप बात करते साइड इफेक्ट, दोस्तों साइड इफेक्ट एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, फिर भी अगर इस इंग्रेडिएंट से किसी को अगर एलर्जी हो तो उसको नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, हाइपर एसिडिटी, सब कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको दिखाई मिल सकता है। जब कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो करोड़ों अरबों किसी एक या दो को हो सकता है। तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स। आप बात करते प्रिकॉशंस यानी सावधानी के, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन का इस्तेमाल करें या ना करें। दोस्तों प्रेगनेंट वुमेन्स को इस दवा का इस्तेमाल करने का कोई जरूरत नहीं है। लैक्टिव मदर चाहे उनको अगर सिस्ट का प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड फेस कर रही है, तो सावधानी के साथ इस दवा का इस्तेमाल कर सकती है, कोई असुविधा नहीं होगी। तो इसका कुछ सावधानी। अब बात करते हैं रिव्यू यानी ये जो सिस्ट गो टैबलेट इसका रिजल्ट कैसा। दोस्तों जो जो मैंने आपको इसका यूजेस बताया, उस जगह पर आप इसका यूज़ करोगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो से कोई जानकारी देना था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।